वेबसाइट पर देखते हैं आज की खास खबर। पुणे लॉकडाउन को मेयर का समर्थन। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लंबे समय के लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार की ओर से मिशन बिगिन अगेन अभियान शुरू किया गया। राज्य की गाड़ी पटरी पर लाने के उद्देश्य से कई मामलों में छूट प्रदान की गई। छूट देते समय लोगों को कोरोना से निपटने के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए, किंतु शहर की जनता ने इन नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसे में मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे की ओर से पुनः लॉकडाउन करने के संकेत दिए गए हैं। 11 मार्च को नागपुर में पहले केस पॉजिटिव आई थी। आज 11 जुलाई 4 महीने हुए और आज 1789 केसेस क्यूम्युलेटिव है। अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो पहले 3 महीने में सिर्फ 400 के नीचे केसेस थी और डेथ 5 थी, और लॉकडाउन खुलने के बाद लगभग 1300 केसेस बढ़ गई है और डेथ भी बढ़ी है। आज टोटल हमारे डेथ 17 है। एक्टिव केसेस 544 है, फिर भी ये नंबर बहुत बड़ा है। इसका रीज़न ये है कि हम नॉर्म्स, कोविड-19 नॉर्म जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग ना रेस्पिरेटरी नॉर्म्स। उसमें मास्क आता है, कॉफिंग वॉशिंग एल्बो में यूज़ करना वो आता है, शॉपकीपर्स और इस्टेब्लिशमेंट जो 15% से ज़्यादा नहीं यूज़ होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो रहा है, और शॉप्स के ऑफिसेस के टाइमिंग पर्टिकुलर शॉप्स के जो 7 बजे बंद होने चाहिए वो रात के 10-10 बजे तक चल रहे हैं। एक रोड की एक ही तरफ ही चालू होने चाहिए, वो दोनों तरफ ही चल रहे हैं। अब तक मैंने सीरियस कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं की है, लेकिन अब अगर ऐसा पाया गया तो शॉप्स हो या इस्टेब्लिशमेंट हो वो बंद तो किए जाएंगे, साथ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चालू हो जाएगी एज पर द एपिडेमिक एक्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज फॉलो द नॉर्म्स, प्लीज इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क एंड इस्टेब्लिशमेंट नॉर्म्स, तभी हम उसको रोक पाएंगे। अभी 1789 में लगभग 311 केसेस से सेंट्रल जेल के हैं, वो एक हॉटस्पॉट नया बना है। हमें नए हॉटस्पॉट बने तो भी इंफॉर्मेशन देना है, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर हमारा जो है वो उसको बढ़ावा देना है। बहुत से लोग ऐसे कि लास्ट मोमेंट पे आ रहे हैं, ये लास्ट मोमेंट पे जब आते हैं तो उनको ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है और इसीलिए हमारी डेथ बढ़ रही है। हमें डेथ भी रखना है और हमें कंट्रोल भी करना है, हालांकि हमारा डेथ पूरी तरह से स्थिति को देखते हुए निश्चित ही लॉकडाउन किया जाना चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया महापौर संदीप जोशी द्वारा दी गई। साथ ही महापौर संदीप जोशी ने आयुक्त से अनुरोध किया कि इस बाबत निर्णय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए। महापौर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को भारी नुकसान होता है, इसीलिए लॉकडाउन के बाद उत्पन्न होने वाले संकटों पर विचार मंथन किया जाना चाहिए। शहर में संयुक्त दौरा करने की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यापारी नियमों का पालन नहीं करते, ऐसे बाजारों में जाकर यदि अपील की गई तो अच्छा संदेश जाएगा, संभवतः पुनः लॉकडाउन करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इसके बावजूद यदि स्थिति खराब हो रही है तो लॉकडाउन का निर्णय लेना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS News Live के साथ। नमस्कार।